तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं SKP इंटर कॉलेज में, जो कि ये बदरका में है और इसके पास में सिबली कॉलेज है। अगर आप लोगों को विज़िट करना है तो आप लोग आसानी से आ सकते हैं। और हम आपको एक झलक दिखा रहे हैं बाहर का व्यू, काफ़ी भीड़ है। सामने ये रहा टिकट काउंटर, और टिकट काउंटर पर मात्र एक टिकट का पैसा जो है वो 40 रुपये हैं। अभी हम टिकट लेते हैं और अंदर प्रवेश करेंगे। तो फाइनली अभी हम टिकट ले चुके हैं और अब टिकट ले करके हम आपको अंदर प्रवेश करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो जो थीम बनाया गया था एरोप्लेन का, उसी की सीढ़ी के माध्यम से अभी हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आज़मगढ़ में 3 जगह पर लगाया गया है नुमाइश। एक तो बवाली मोड़ के पास लगाया गया है, बिल्कुल रोड के सामने। जो दूसरा है करतालपुर बाईपास रॉयल सिटी होटल के जस्ट बैक साइड में, और तीसरा जो है बदरका में लगाया गया है SKP इंटर कॉलेज में, और नियर में सिबली कॉलेज है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं SKP इंटर कॉलेज का नुमाइश, जो कि सिंगापुर थीम कार्निवाल को बनाया गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। अभी हम पहुंच चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं सिंगापुर थीम कार्निवाल। अभी हम आपको दिखा रहे हैं सेल्फी स्टिक, और यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और काफ़ी सारे यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं। अंदर चल कर के हम आपको दिखाते हैं सारा व्यू, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है वीडियो। अभी हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आपको हम दिखा रहे हैं एरोप्लेन का सबसे बड़ा थीम बनाया गया है, जो कि हम इसी के माध्यम से अंदर प्रवेश किए थे, और काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है। और आगे जो है काफ़ी सारे झूले लगाए गए हैं, और ये रहा सामने एग्जिट, काफ़ी बड़ा यहाँ पर बनाया गया है टावर, और इसी के माध्यम से लोग एग्जिट करेंगे। काफ़ी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, और वीडियो में आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो आज का काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं सामने काफ़ी सारे झूले लगाए गए हैं, और ये रहा सामने खाने पीने चीज़ों से रिलेटिव यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया गया है, जो कि आपको आलू टिक्की छोला भटूरा पाव भाजी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको दिखाएँगे झूलों को, झूले काफ़ी यहाँ पर बनाए गए हैं। ये रहा सामने टावर वाला झूला, ये काफ़ी मज़ेदार लग रहा है और काफ़ी रोचक भी लग रहा है, और ऊपर जाने के बाद पूरा एकदम दिल जो है एकदम धक धक करने लगता है, ये देखने से ही लग रहा है। जो बैठा हो तो उसी को फील हो रहा होगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं टावर वाला झूला, ये काफ़ी मज़ेदार लग रहा है मुझे। अब की आज़मगढ़ में इस नुमाइश में काफ़ी सारे यहाँ पर झूले लगाए गए हैं, जो बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। और ये जो आपको सामने दिख रहा होगा झूला, इस झूले का नाम है ब्रेक डांस, ये भी काफ़ी मज़ेदार होता है, चारों ओर से गोल गोल घूमता रहता है, और ये देखने में मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। आप लोग भी आइए और इन्जॉय करिए, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। फिलहाल अभी हम जैसे ही वीडियो शूट कर लेंगे, अभी हम भी इस झूले का आनंद लेंगे। फिलहाल जो कि आज़मगढ़ में सबसे बड़ा नुमाइश SKP इंटर कॉलेज में लगाया गया है, जो बेहद तरीके से इसको अच्छे तरीके से सजाया गया है। हर प्रकार के यहाँ पर झूले लगाए गए हैं, और खाने पीने की चीज़ों से रिलेटिव, और यहाँ पर ख़रीदारी के लिए दुकानें भी लगाए गए हैं। बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए अलग से यहाँ पर झूलों को भी बनाया गया है, और एक हॉरर वाला भूत बंगला भी बनाया गया है। और अभी हम आगे चल कर के आपको दिखाने वाले हैं, वो भी काफ़ी मज़ेदार होता है। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, क्योंकि हम आज़मगढ़ के ही रहने वाले हैं, और आज़मगढ़ से मात्र 10 किलोमीटर चल कर के आए हैं और आपको दिखा रहे हैं आज़मगढ़ का नुमाइश। तो ये रहा गन वाला शूट करते हैं, और बच्चे जो भी गन को शूट करके मार देते हैं तो उनको कुछ प्राइज़ मिलता है। और ये रहा सामने जो है रेंजर झूला है, ये जो झूला है पूरे एंगल में घूमता रहता है। फिलहाल अभी तो ये घूम नहीं रहा है, अभी हम आपको आगे चल करके ये दिखाएंगे जब ये पूरा तरीके से एंगल में घूमेगा। और इसको चारों तरफ से पैक किया गया है ताकि कोई भी गिर न सके। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं नाव वाला झूला, नाव वाला झूला अभी रनिंग में है, काफ़ी मज़ेदार लगता है ये भी। आप लोग आइए, आप लोग भी झूलों का आनंद लीजिए, और काफ़ी मज़ेदार लगाया गया है अब की बार नुमाइश। और ये जो झूला आप देख पा रहे होंगे, इस झूले का नाम है डबल डिस्क, ये जो है बिल्कुल नाव की तरह गति करता है जैसे। और जस्ट इसके बगल में बच्चों के लिए यहाँ पर झूले लगाए गए हैं, जो कि बच्चे इस पर
ये इसका नाम है बांसी झूला, जो कि इसमें बच्चे जो है कूदते रहते हैं। काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी मज़ेदार होता है ये झूला, बांसी झूला। अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं और भी सारे झूले लगाए गए हैं। और इधर के साइड में यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं, ख़ास तौर पर ये दुकानें महिलाओं के लिए लगाई गई है। और जस्ट इसके बगल में जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर ख़ास तौर पर झूलों को भी लगाया गया है। और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सेल लगाया गया है, 270 का सेल लगाया गया है, बैग ऑफ लेडीज़ों के लिए है। और ये रहे बच्चों के लिए झूले, ये काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं। और ये रहा मिनी रेल, जो कि बच्चे कुछ इस पर इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ेदार ये भी झूला होता है बच्चों के लिए। आप लोग भी आइए तो अपने बच्चों को यहाँ पर इंजॉय करवाइए, काफ़ी मज़ेदार होता है यहाँ का झूला। मिनी रेल वाला बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर होता है, काफ़ी सेफ्टी भी है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। और ये रहा चारों तरफ से इसको बाइंड किया गया है और इसके अंदर पानी भरा गया है। और बच्चे जो है नाव वाले में बैठकर जो है इधर से उधर मतलब इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है ये भी। और ये वाला गेम हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें जो है ये जो चूल्हा दिख रहा होगा, ये चूल्हे के अंदर फेंकेंगे तो आप इसके विनर होंगे। और यहाँ पर जो है लिखाया गया है साबुन के अंदर सही रिंग जाने पर इनाम दिया जाएगा और गलत रिंग पड़ने पर इनाम नहीं दिया जाएगा। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं इधर के साइड में जो है ज्वेलर से संबंधित सारी चीज़ें लगाए गए हैं। तो यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं और आगे जो है काफ़ी सारे दुकानें लगाई गई हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और अभी हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे ये जो रिंग वाला गेम है, इस पर काफ़ी भीड़ लगे हुए हैं और काफ़ी सारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। और आगे हम आपको दिखाने वाले हैं और भी सारे झूले। और एक लाया गया है भूत बगला, वो मुझे काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, आगे चल कर के हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है दुकानें लगाई गई हैं, ख़ास तौर पर यहाँ पर बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर वाला झूला लगाया गया है, यह भी काफ़ी मज़ेदार लग रहा है बच्चों के लिए। और उधर के साइड में कूदने वाला झूला फिर बनाया गया है, बांसी झूला, काफ़ी मज़ेदार वो भी लग रहा है। और अभी हम आपको दिखाते हैं नज़दीक से, तो बच्चे जो है चढ़े हैं, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, बच्चे कूद रहे हैं। अब हम आपको इधर के साइड में जितने झूले हैं आपको दिखा रहे हैं, ये नाव वाला झूला और जस्ट इसके बगल में जो है जायंट व्हील वाला झूला लगाया गया है। और इसी के पास में जो है सुपर ड्रैगन वाला झूला लगाया गया है। तो ये रहा डबल डिस्क वाला झूला, अभी कस्टमर इस पर मिल नहीं रहे हैं जिसकी वजह से बंद पड़ा हुआ है। और अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अभी हम आपको दिखा रहे हैं नाव वाला झूला, नाव वाला झूला रनिंग में है। तो फाइनली अभी स्टार्ट कर दिया गया है डबल डिस्क वाले झूले को, ये बिल्कुल नाव वाली की तरह में मूव कर रहा है और काफ़ी मज़ेदार लग रहा है ये झूला। तो दो ठो बनाया गया है यहाँ पर, दो में लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है ये झूला। आप लोग भी आइए इस झूले का आनंद लीजिए, मुझे तो बेहतर लग रहा है ये झूला। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। और भी झूले हैं और अब हम आपको दिखाने वाले हैं रेंजर झूला, रेंजर झूला वो भी काफ़ी मज़ेदार तरीके से बनाया गया है। और रेंजर झूले पे अभी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि कस्टमर अभी दिख नहीं रहे हैं, वो भी अभी कुछ समय में आपको दिखने को मिलेगा। और तो सामने ये रहा हॉरर वाला भूत बंगला, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी अंदर ना ले जाएँ, थोड़ा बहुत डरावना होता है, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है ये, बोर्ड पर देखने से ही दिख रहा है, मेंशन हुआ है। काफ़ी सारे यहाँ पर ग्राफिक्स और चित्र बनाए गए हैं, देखने से ही ऐसा लगता है कि अंदर जाने का मन नहीं करेगा। अगर आप लोग को जाना हो तो आप लोग अंदर जाइएगा, इसका टिकट टुकट तो अभी पता नहीं है, आप लोग जाइएगा तो बताइएगा हमें भी। फ़िलहाल आप लोग जाइए और इसका भी आनंद लीजिए। अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और हम अपने वीडियो की समाप्ति यहीं से करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।
हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।